अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब भाई? होप सब खैरियत से होंगे। तो आज यहाँ पे क्रीम हम लोग बना रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो में शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और क्योंकि मैं पहले भी फार्मूलेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आप लोग कहते हैं जी कंप्लीट फार्मूलेशन बता दें, तो ऑलरेडी फार्मूलेशन जो है वो पेजेस पे अपलोड होती हैं, तो बार बार अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो न्यू समर के लिए हम लोगों ने क्रीम बनाई है, जिसका कल मैंने आप लोगों को बताया भी था और मैंने उसकी पोस्ट भी शेयर की थी आप लोगों के साथ, ये वही क्रीम हम लोग बना रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना कुछ चेंजेस हम लोगों ने की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप देख लेंगे, ये देखिए वो पड़ी है सारी क्रीम्स जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं, ठीक है। कुछ ये क्रीम्स हैं जो इसके अंदर ऐड हो रही हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड करनी है वो यहाँ पे, ये देखें, नॉर्मली हम लोग इसमें ऐड करते हैं योको मीना कैले, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग क्रीम्स ऐड कर रहे हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये सारी क्रीम्स इसके अंदर जाएंगी। ये टोटली वाइटनिंग के लिए क्रीम है, इसका पिगमेंटेशन के साथ कोई लिंक नहीं है, वाइटनिंग की क्रीम है। स्पेशली ब्राइडल्स के लिए है जिनकी शादी होने वाली है, और हम लोगों की कोशिश होती है कि इसके अंदर हम लोग चेंजेस करें और वो बेस्ट से बेस्ट क्रीम तैयार हो इसके अंदर। ये देख लें, देख रहे हैं अभी योको की क्रीम की, ओपन करना ज़रा मानो इसको ज़रा, ये देखें ये एक पिंक कलर की है वाइटनिंग, वो योगर्ट वाली है, ये देखें ये सारी जो क्रीम्स हैं ना इनको, तो ये वाली सारी क्रीम्स जो हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी ब्रांडेड क्रीम दी, यानी कि फेस फ्रेश, अरीना गोल्ड, वो अच्छा जी। तो यहाँ पर देख लीजिए सारी क्रीम्स हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी, इसको हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन इसको आधा घंटा लगता है अच्छे से बीट कर करके इसको हमने मिक्स किया है। अब ये तो हमारी होगी तैयार बेस, ठीक है। अब जो हमारे मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं जो इसमें ऐड करने हैं हमने, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बाउल के अंदर ऐड कर लिया सीरम, ठीक है। सीरम ये हमारे होममेड्स हैं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप सीरम्स के नाम नहीं बताती, तो देखिए मैं आपको इसमें क्या नाम बताऊँ, ये हमारे अपने होममेड सीरम्स हैं, हम बाहर से लेके इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो आप लोगों को फिर इसका मैं क्या मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन दूँ, तो अगर आप लोगों के पास ऑब्वियसली ये सीरम्स नहीं होंगे तो आप लोग इसकी जगह पर कंपनी के जो बाहर जो लवीज़ा कंपनी के सीरम्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे अपने इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त और बेनिफिशियल होते हैं हर टाइप की स्किन के लिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ग्लोथाथियोन वाइटनिंग पाउडर, थोड़ा सा कैम ऊपर करें, ठीक है। अगर आपने 1 kg क्रीम बनाई है तो आप इसमें 1, ये जो टेबलस्पून आप देख रहे हैं मेंशन कितना है, 1/2 टेबलस्पून ये मैं इसमें ऐड करी, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको अंदर इसको मिक्स करेंगे, डायरेक्टली पाउडर कभी भी क्रीम के अंदर नहीं डालते होते, ये चला गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे है मेरे पास वाइटनिंग बूस्टर। अच्छा, आप लोग मुझे कहते हैं जो वाइटनिंग बूस्टर का नाम बता दें, तो इसका कोई नाम नहीं होता, इसको वाइटनिंग बूस्टर पाउडर ही बोलते हैं। ये इसमें थोड़ा कम ऐड होगा क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, ये चला गया इसमें। उसके बाद मेरे पास है जो यहाँ पे नाइसिनामाइड, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रीम टोटली वाइटनिंग के लिए हम बना रहे हैं, तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वाइटनिंग के लिए ही जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है जी कॉजिक एसिड पाउडर, इसकी आप शाइन चेक कर सकते हैं, ये जाएगा इसके अंदर कॉजिक एसिड पाउडर। उसके बाद कॉजिक एसिड के बाद यहाँ पे है मेरे पास अल्फा अरब्यूटिन पाउडर, ये देख सकते हैं, इसको ज़रा क्लोज कर दूँ, ये है अल्फा अरब्यूटिन पाउडर, ये भी टोटली वाइटनिंग का पाउडर है। इसको हम मिक्स करेंगे सारे पाउडर्स को अच्छे से सीरम के अंदर, और इसको अभी हम छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और उसके बाद मैं इसको अंदर ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान मैंने इसलिए इसमें कम डाला है क्योंकि हम जब क्रीम बनाते हैं तो डब्बियों के ऊपर भी डाल देते हैं। देखिए, ज़ाफ़रान कम हो ज़्यादा हो वो अपनी वर्किंग उतनी ही करता है। काफ़ी सारे लोग क्रीम के अंदर इतना सारा ज़ाफ़रान डाल देते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ स्किन को रेड कर देता है और उसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता। तो आप ज़ाफ़रान की मिकदार उतनी ही रखा करें जितनी वो आपकी स्किन को सूटेबल हो। ज़्यादा ज़ाफ़रान ऐड करने से बंदा जल्दी वाइट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इसको अभी हमें छोड़ूंगी आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जी, ये जो हम लोगों ने पाउडर्स मिक्स करके रखे थे, अच्छा इनको मिक्स करके छोड़ने का मकसद ये होता है कि अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। अगर आप इसको डायरेक्ट क्रीम में ऐड करेंगे तो ये कभी भी सही से मिक्स नहीं होते हैं। और इसके अंदर ये जो ज़ाफ़रान है इसने भी अपना कलर अच्छे से छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगी, अच्छे से जो है इसके अंदर हम ये सारा मटीरियल अपना ऐड कर देंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको आपने जब इसके अंदर पाउडर्स आप ऐड कर लें तो आपने इसको इतने अच्छे तरीके से बीट करना कि आप देख रहे हैं लम्स, ये लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर,
इसको इतने अच्छे तरीके से आपने बीट करना है कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स ना रहें। तो इसको अब मैं अच्छे से बीट करती हूँ, उसके बाद जो है ये हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए इसको मुसलसल मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर देखें क्रीम का, ठीक है। तो अभी आपने जो है इसको अभी हम डब्बियों में फिलअप करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कितनी क्वांटिटी ऐड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया करें जी। तो यहाँ पर डब्बियों में फ़िलअप कर ली है क्रीम हमने, और ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये फुल भरी हुई डब्बी नहीं होती है। मैं हर बार अपनी वीडियो में यही चीज़ रिपीट करती हूँ कि ये जो जार आपको नज़र आ रहा है ये 4 मंथ की क्वांटिटी के साथ होता है, इसलिए इसको हाफ़ फ़िलअप किया जाता है क्योंकि इसमें 2 मंथ की क्वांटिटी होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप ऑर्डर कीजिएगा। और ये 100% 2 मंथ की क्वांटिटी से भी ज़्यादा की क्रीम होती है इसके अंदर। तो इसकी प्राइस 2500 है वर्ल्ड होम डिलीवरी के साथ। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, उस पर आप अपना एड्रेस भेजेंगे और अपना ऑर्डर प्लेस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।